गोवा में मुक्ति दिवस समारोह में पीएम संबोधित कर रहे हैं। गोवा के राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई जी, गोवा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर जी, मनोहर अजगांवकर जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीपद नायक जी, गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेश पटनेकर जी, गोवा सरकार के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और गोवा के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माझ्या मोगाळ गोयंकारोना, गोय मुक्तीच्या हिरक महोत्सवी वर्षा निमित्तान तुमका सगळ्यांक मना काळजा सावन पर भी सेमान नटलेल्या मोगाळ मनशाच्या ह्या भांगराळ्या गोयांत येवन माका खूब खोस भोगत। गोवा की धरती को, गोवा की हवा को, गोवा के समंदर को प्रकृति का अद्भुत वरदान मिला हुआ है और आज सभी गोवा के लोगों का ये जोश गोवा की हवाओं में मुक्ति के गौरव को और बढ़ा रहा है। आज आपके चेहरों पर गोवा के गौरवशाली इतिहास का गर्व देखकर मैं भी आप जितना ही खुश हूं, आनंदित हूं। मुझे बताया गया कि जगह बहुत छोटी पड़ गई, तो बगल में ऐसे ही दो बड़े पंडाल बनाए गए हैं और सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। साथियों, आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज हमारे संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। हमारे सामने लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने कम समय में एक लंबी दूरी तय की है। और सामने जब इतना कुछ गर्व करने के लिए हो तो भविष्य के लिए नए संकल्प खुद ही खुद बनने लग जाते हैं, नए सपने खुद आकार लेने लगते हैं। ये भी एक और सुखद संयोग है कि गोवा की आजादी की ये डायमंड जुबली आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मन रही है। इसलिए गोवा के सपने और गोवा के संकल्प आज देश को ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, अभी यहां आने से पहले मुझे आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर
शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ्लाईपास का साक्षी भी बना। यहां आकर भी ऑपरेशन विजय के वीरों को, वेटरन्स को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर भी मिला। इतने अवसर अभिभूत करने वाले इतने अनुभव गोवा ने आज एक साथ दिए हैं। यही तो जिंदा दिल वाइब्रेंट गोवा का स्वभाव है। मैं इस स्नेह के लिए, इस अपनेपन के लिए गोवा के जन जन का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम एक और गोवा लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरी ओर गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। अभी यहां पर गोवा सरकार के अलग अलग विभागों को, एजेंसियों को आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा के सफल इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया। शानदार काम करने वाली गोवा की पंचायतों, म्युनिसिपालिटीज को भी अवार्ड दिए गए। साथ ही आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे चार हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच, सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों जंजावातों को जेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है।
कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए, हर किसी की तरफ से हुए। साथियों, देश तो गोवा से पहले आजाद हुआ था। देश के अधिकांश लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे। अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था। उनके पास विकल्प था कि वो शासन सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे। लेकिन कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जलाकर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है, भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है।